Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं आपके ड्रेस का कलर नहीं देख सकता अभी. Seriously? Yeah, I swear I can't. ये आगा सही कह रहे थे आते ही. मेरे पास कोई भी नहीं है. आगा ने इतना भी नहीं देखा कि ड्रेस का कलर क्या पहना हुआ है. एक मिनट ध्यान से. एक स्टेप, वन स्टेप डाउन. Not here. अब स्टेप डाउन. अब स्टेप डाउन. स्टेप डाउन. Yes. Thank you. Alright. अच्छा जी. ये हमारे पास ना आपकी हीरोइन मौजूद है. Okay. है हीरोइन मौजूद है. मौजूद है. कहाँ? आपने अपनी हीरोइन. हाथ हेलो हीरोइन. हाथ नीचे करेंगे थोड़ा सा. सब लोग खड़े होने. पहली रोजर ने सब लोग खड़े होने. पिछली वाली. अच्छा अब आप हाथ अपने सारे आगे करें. अच्छा मैं ऑडियंस के सामने आ गया हूँ. नहीं. अच्छा आप अब हाथ आगे करेंगे. हाय एवरीबॉडी. हाय आगा. देखा झूठ बोल रही थी आप. हाँ. जी आगा आपने ना. अरे ये तो किसी बच्चे का हाथ है. बच्चे का. अच्छा अच्छा हाथ आगे करेंगे ताकि आगा जज कर सके कि उनके प्ले की हीरोइन मेरे बेवफा की हीरोइन. नहीं आप भी नहीं. हाय. अच्छा जी. आप भी हाथ आगे करेंगे. अच्छा नहीं आप खाया पिया करो. सारा के हाथ ना मोटे हैं थोड़े. मेरी बहन बुरा नहीं मनाना. मुझे डॉक्टर समझो. पेट खराब है आपका. अच्छा ये ठंडा हाथ है बहुत. ये हो सकता है सारा है. And a big round of applause for my smartness and for seeing what I'm trying. Sara, कैसी है? बिल्कुल ठीक. अगर आप अभी हंसी ना तो आई बेट के आगा को कभी पता नहीं चलना था. नहीं मुझे पता चल गया था. चल गया था. They're very specialized cold hands that Sara has got. तो पता चल जाता है. अच्छा वैसे आपके हाथ भी कोई इतने गर्म तो नहीं है. उससे गर्म थे. अच्छा सारा से गर्म. बिल्कुल सही. सारा हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक. कैसा लग रहा है भाई इतनी खवातीन की प्रोडक्शन में? और आपका मुझे यकीन है कि रोल जो है वो फिर बहुत सारी खवातीन को रिप्रेजेंट करेगा. बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि ख़वातीन को और बढ़ के काम करना चाहिए. और जो कैरेक्टर है अज़रा मैं अज़रा प्ले कर रही हूँ. और अज़रा वो वाला कैरेक्टर है जो हर सास चाहेगी कि उसकी बहू ऐसी हो, हर शौहर चाहेगा कि उसकी बीवी ऐसी हो. लेकिन आगे जाके अज़रा के शेड्स भी बहुत हैं. वो इतनी बदतमीज़ भी है. वो रूड भी हो जाएगी अपनी सास के साथ. उन्हें कहेगी कि मुँह बंद रखे वरना मैं आपका गला काट दूँगी. इस तरह की भी हो जाएगी. तो मुझे सादिया के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि जो हमारे मेल प्रोड्यूसर्स हैं उनसे ज़्यादा बेहतर माहौल था. बेहतर ये बात जो है ये आगा नहीं कह सके थे. आगा मैं आपसे पूछ रही थी कि ख़वातीन के साथ काम करना जो है इट्स नॉट जस्ट कि आई एम वुमन. आई हैव फेल्ट कि औरतें हमेशा ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, ज़्यादा पैशनेटली, ज़्यादा प्रोफेशनली काम करती हैं. मैंने तो आपको ये कहा कि मैं बस कंपैरिजन पे बिलीव नहीं करता बिकॉज बड़ी लंबी बहस हो जाती है. पर एज आई सेड वो किसी भी मामले में किसी मर्द से कम नहीं होती है. बिल्कुल सही. अच्छा बेहतर थी. अच्छा बेहतर सही. लेकिन सारा ने प्रिसाइजली कह दिया कि मुझे बेहतर फील हुआ. अरे सारा हु इज बेवफा इन दिस सीरियल? ये जो नाम है मेरे बेवफा ये कहाँ से आया? बेवफा कोई नहीं है. लेकिन सिचुएशन ऐसी कुछ बन जाती है कि मैं इन्हें बना देती हूँ बट ये है नहीं. और ये क्यों नहीं है ये मैं बता नहीं सकती. वो देख के ही पता चलेगा. और ये भी एक पॉइंट पे आके अज़रा का कैरेक्टर भी एक पॉइंट पे आके वो भी ये वाली हरकतें करेगी कि उसको भी लोग बोलेंगे कि इसके साथ ठीक हो रहा है. अच्छा ये भी तो बेवफाई कर रही है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होंगी कि वो दोनों ही फंसे हुए होंगे. वो दोनों बेवफा नहीं है. कोई भी नहीं है एक्चुअली. हम बेवफा मगर हमारे साथ कर ना सके. और मेरा इनका शामिर का कैरेक्टर तो का तो ये गाना है बेचारे का. हाँ. कि वो बिल्कुल 100% नहीं चाहता कि वो उसके हाथों बेवफाई हो लेकिन 100% हो जाती है. एंड दैट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि आपको पता है कि आप बेवफाई कर रहे हैं पर आपका दिल नहीं मान रहा है कि आप करें. ठीक है. पर आप उस सिचुएशन में फंस गए. That's the beauty of the story. हाँ और ये हमारे सिस्टम की भी ब्यूटी है बाज़ औक़ात क्योंकि अक्सर यही घरों में यही सीन चल रहा होता है. सारा वंडरफुल टू हैव यू. आप प्लीज़ तशरीफ़ रखो. सारा को इसका एक असूल है कि वी हैव टू बी ऑनेस्ट.
हम डिटेल नहीं पूछेंगे कि क्या है कैसे, बट वी हैव टू बी ऑनेस्ट कि ये मैं अपने ड्रामे की कसम खा के कहता हूँ कि आज जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, जिंदगी में कभी प्यार हुआ? किसी से बेवफाई की? किसे? किसी से बेवफाई की? किसी ने आपसे बेवफाई की? ओफ। अच्छा, ये 5-6 और लेके आना यार। इतनी सारी बेवफाई हो गई आपके साथ? मतलब ये ड्रामे ऐसे थोड़ी बनते हैं। अच्छा, लेकिन इस ड्रामे में तो हमेशा बेवफाई उधर हो रही होती है, इधर तो कमी कमी। जिंदगी में उल्टा होता है। अच्छा, हाँ, you, we all know. No? अच्छा, you don't? I don't know. कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएगा। नहीं, इतनी सारी खवातीन बैठी हैं। आगा के कहने का मतलब ये है कि ड्रामों में हम दिखा रहे होते हैं कि औरत मजलूम है, दरअसल मर्द मजलूम है। आप एग्री करती हैं? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। हाँ, मेरी प्यारी बहनों, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने यही कहा है कि अभी क्या मैं डिटेल में जाऊं, पर ऐसा हो जाता है, स्पेशली जब आप यंग होते हैं ना, जब आपको ये नहीं पता होता लाइफ में एक्चुअली क्या होना है, फिर आप सीरियस होके ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनका कोई एंड नहीं होता है। एंड देन इट हैपेंस, मगर वो दोनों साइड से गलती होती है। हां, दोनों साइड से ऐसे कर देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा चलो, लेट्स मूव ऑन, आगे मैं चलती हूं। क्या कभी अपने से बड़ी उम्र की बंदे बंदी से प्यार हुआ? प्यार एज इन प्यार इन लव, फॉलिंग इन लव, नॉट सीरियस लव बट पसंद दिया, पसंद, फॉलिंग इन लव, हेड ओवर हील्स। हां, खुद ही से। हां हां, खुद ही वन साइडेड लव। अच्छा, सारा को नहीं हुआ। क्या कभी अपनी से कम उम्र की किसी खातून या बंदे से प्यार हुआ? हाँ। मतलब नहीं यार, ना किसी एक पे फिक्स हो, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो थी, पर वो कहती आई थी कि हम कम उम्र हैं तो। अच्छा। कभी बैक वक्त दो लोगों से प्यार हुआ? एक वक्त पे, एक ही वक्त। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आपकी जिंदगी में एक शख्स हो और वो थोड़ा बहुत होता है ना थोड़ी देर के लिए, उसे आप प्यार नहीं कह सकते। सुने, आप ये कौन से वाले प्यार की बात कर रही हैं? प्यार तो हजारों से हो जाता है। अच्छा, मतलब घर वालों से भी हो जाता है, दोस्तों से भी हो जाता है। उसी कॉन्ट्रोवर्शियल प्यार की बात कर रही हैं। अच्छा, ये कॉन्ट्रोवर्शियल? नहीं कॉन्ट्रोवर्शियल, ये हम सुबह शो में आके माँ बाप के प्यार की बात करेंगे जी। कॉन्ट्रोवर्शियल वाला प्यार कौन सा होता है? जिसके बाद कॉन्ट्रोवर्सी शुरू होती है। पहले आपको प्यार होता है, फिर कॉन्ट्रोवर्सी होती है, फिर वो खत्म हो जाता है। अरे, मेरा मानना बिल्कुल इससे अलग है। मेरा मानना ये है कि जब दुनिया शुरू हुई थी तो पहली फरमाइश आदम ने हव्वा की थी, तो ये वो पहला इटरनल लव है जो कि अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथों से क्रिएट किया था ये रिश्ता। बिल्कुल, बाकी सब रिश्ते इस रिश्ते की बाय प्रोडक्ट है। जी जी, बिल्कुल। बाकी सब रिश्ते इस रिश्ते से पैदा हुए। सो आई कंसिडर इट अ वेरी नोबल, बहुत मुकद्दस, एक बहुत रिस्पेक्टेबल, 100% और एक बड़ा सेक्रेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और वो एक साथ दो लोगों से नहीं हो सकता, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक वक्त में दो लोगों से जी नहीं हो सकता, वक्तन हो सकता है। जैसे ना, उसको आप प्यार नहीं कह सकते। नहीं सारा, एक दफा ही हो सकता है जिंदगी में, पूरी जिंदगी में एक ही दफा किसी बंदे से प्यार होगा? एक ही दफा हो सकता है, बार बार कैसे हो सकता है? अच्छा, ओके, मुंह का कहने का मतलब है कि इफ दैट एंड्स, तो फिर दोबारा भी किसी एक से तो प्यार हो सकता है ना, एट अ टाइम दो से नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाह रही हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आप लोगों ने तैयार रखे। कभी किसी की याद में दिल टूटने के बाद तकिए भिगोए, सारी सारी रात रोए? मुझे जब भी जरूरत से ज्यादा गुस्सा आता है या इफ आई मिस माय डैड और एनीथिंग लाइक दैट हैपेंस, आई क्राई। मुझे लगता है रो लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, कोई मर्दानगी को ठेस नहीं पहुंचती रो लेने से। ठीक है, और सबके सामने भी रोने आ जाए तो मैं तो फिल्म देखने इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं रोना शुरू कर देता हूँ। मैं वो एक फिल्म देखने चला गया, उसके क्लाइमैक्स पे इधर भी चार आंटियां थी, इधर भी दो लोग थे, सब देख रहे थे और मैं अकेला जा रहा और मेरी माँ मुझे कह रही चुप,
मैं इसलिए नहीं जाता बिकॉज़ आई एम लाइक कि रोने में क्या बुराई है यार, इट्स एन एक्सप्रेशन. बिल्कुल सही. अच्छा ठीक है, लेकिन क्या ख्वातीन के साथ ज्यादती हो रही हो, उनके क्लाइमेक्स पे ज्यादा रोना आता है जब वो परेशानी से तकलीफ से गुजर रही हो, या मर्दों के ऊपर कोई जुल्म हो रहा है? सारा हंस रही है मेरे सवाल से. मुझे किसी का भी दर्द देख के रोना आ जाता है. कोई मैं स्पेसिफाई थोड़ी कर सकता हूँ कि औरत पे जुल्म हो रहा है या मर्द पे हो रहा है. मैंने अभी रिसेंटली एक मुल्क है वहाँ पर कुत्तों का फेस्टिवल करते हैं, खाते हैं उनको. आई स्टार्टेड क्राइंग व्हेन आई लुक्ड एट दैट. आई हैव 3 डॉग्स एट होम. I have huge. क्या नाम है डॉग्स के? ओरियो, टाइसन एंड ग्रम्पी. ओरियो, टाइसन एंड ग्रम्पी. फेवरेट कौन सा है? ओ, वन इज अ पग, तो वो तो घर के अंदर रहता है. एंड ओरियो, टाइसन आर द जर्मन शेपर्ड्स दैट स्टे इन द लॉन एंड ऑल. आई लव देम ऑल. सारा आपको भी शौक है ये इस तरह का, पेट्स का और एनिमल्स का और इस तरह की चीजों का? सारा सिर्फ देखने का शौक है. दूर से. दूर से. बहुत दूर से. अच्छा हाँ, बिल्कुल सही. अच्छा जी आगे आइए. कभी किसी ने मजमे में, भरे मजमे में सब लोगों के सामने पब्लिकली प्रपोज कर दिया, आप मुझसे शादी कर लें प्लीज? मैं शादी नहीं, प्रपोज करना, प्यार कर लें मतलब. अच्छा आप मुझसे प्यार कर लें, मतलब मैं आपसे प्यार करती हूँ टाइप वाला जो सिलसिला होता है. अच्छा, और सारा आपको अभी तक किसी ने नहीं कहा? आप मेरे हाल मजमे में गई नहीं है ना, क्योंकि लेकिन ऐसे तो किसी ने नहीं कहा. अच्छा उसकी वजह क्या है, लोग आपसे डरते हैं, किसी को जरूरत नहीं हुई या फिर किसी को मौका नहीं मिला? जरूरत नहीं हुई. जरूरत नहीं हुई. ओह, तो सारा एक बहुत जरूरतदार खाती हूँ. अच्छा सारा, अगर कोई, चले लेट्स कीप द बोर्ड्स असाइड, कभी फर्ज किया कोई ऐसी जरूरत कर ही ले, सपोज आगा वो आगा अलाउ मी प्लीज जी जी आगा ने एक्सप्रेशन दिया, आगा वो छोरा लड़का है अच्छा जो नहीं मान रहा एक भरे मजमे में और हर जगह आपको ही स्टॉकर या आपको पीछा कर रहा है, आपको जहां मैं देखता हूं, मैं जहां देखता है फेसबुक पे इंस्टा पे, अपुन ने तेरे को देखा और अपुन का दिल आ गया रे तेरे पे. ऐसा होगा तो फिर तो वो शायद मार खा लेगा. आपको लगता है कि जो हर जगह फॉलो कर रहा है स्टॉकर है मॉल क्या? नहीं, एक तरीका भी होता है ना कि अगर स्टॉक करने का नहीं, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो एक तरीका होता है उसको प्रपोज करने का. पर वो बात नहीं करी, उन्होंने शुरू में ही क्लियर कर दिया ये छोरा लड़का, तो वो फिर उसके साथ मार खा लेगा. वैसे हाँ, इफ यू गोना पुट अ छोरा लड़का इन द सिचुएशन तो उसका तो एंड फिर एक्सपेक्टेड है ना. हाँ, तो मार खा लेगा. हाँ, और मार सारा खुद मारेगी या किसी को बुलवाएगी कि आना? नहीं, नहीं, सारा से कहेगी तुम रुको यहाँ, मैं सबको लेके आती हूँ, मैं भाई को आप सबको मैं लेता, इधर ही रुको. मैं खुद ही थप्पड़ मार देती हूँ. मैं खुद ही थप्पड़ मार देती हूँ. वाकई मारा है किसी को जिंदगी में? है इसी इसी सिचुएशन के ऊपर ही. कुछ लोग होते हैं जो ज़बरदस्ती आपसे बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं बात करने की, और आप नहीं बात करना चाह रहे, तो फिर उनका जवाब थप्पड़ ही होता है. बिल्कुल सही. That's the chichora ladka you were talking about. Yeah, that is. अच्छा, और अगर कोई बहुत संजीदा मुदब्बर, आगा जैसा नहीं होगा वो, एक बहुत संजीदा सोबर डिसेंट आगा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा? देखिए मैं एक बात बताती हूँ, अगर इतना संजीदा इतना अच्छा कोई इस तरह का लड़का होगा ना, और उसे और वो मुझे जानता होगा, तो वो कभी भी मुझसे आके नहीं बोलेगा, मेरे माँ बाप से जाके बात कर लेगा मुझसे. क्योंकि वो जितना भी अच्छा होगा मेरा जवाब ना ही होगा. सही. फिर मतलब किसी जिसने भी शादी करनी है आपसे, उसको आपसे बात नहीं करनी है, उसको सीधे जाके उसको मेरे बाबा से बात करनी है. अच्छा, और अगर फर्ज किया एक दिन अचानक नहीं, ये बात खत्म होने के बाद तय क्या पाया कि मैं एक छोटा लड़का हूँ या मैं एक मौदबर लड़का हूँ? क्या तय पाया है ऑडियंस, क्या तय पाया है? क्या आगा एक संजीदा मुदब्बर आशिक है? तालियां बजा के बताइएगा. यस, ओके, चलो नेक्स्ट. इजी इजी. अच्छा, या आगा जो है वो एक या आगा एक अनप्रेडिक्टेबल अनरिलायबल अनट्रस्टवर्दी किस्म के नौजवान लड़के हैं? नो, आई लव यू फॉर दैट. थैंक यू. कब से मेरे कान ये सुनने के लिए तरस गए हैं पता है. ये इस तरह के ड्रामे कर करके मैं सिर्फ बदनाम हुआ हूं. बदनाम. अच्छा, हर ड्रामे में आगा ने हरजाई का, धोखेबाज का, दगाबाज का, बेदर्द का कैरेक्टर इतना शानदार निभाया है. या कि आगा वो कहां से आता है वो बंदा? पैसे दे दो आ जाता है. अच्छा सही. नो ऑनेस्टली,
मुझे नहीं पता चला कब दिस बिकेम द यूएसपी एंड द चॉकलेट बॉय मी जिस गॉट ओवरशैडोड बाय द एंग्री मी. मतलब मेरा गुस्सा करना क्यों आवाम को अच्छा लगता है मुझे नहीं पता. मैंने अभी जिन सब सर के साथ आया हूँ, शायद सर ड्राइवर हैं, बहुत अरसे से प्लस में हैं, एटीवी में हैं और मेरे बड़े भी हैं वो, मैंने उनके साथ बड़े शुरू में भी सफ़र किया है, तो वो भी यही कह रहे थे कि एक ड्रामे में लड़की को जला भी दिया, मार भी दिया, क्यों मेरे प्यारा पुत्र है तू, क्यों इंच कीता तू, और उसके फौरन बाद उन्होंने कहा कि लेकिन मज़ा भी आता है हो जाए ड्रामे पे. तो वो शायद यही है कि उनको ज्यादा मजा आता है मुझे वो सब करते हुए देख के, तो जिसमें आपको मजा आता है हम वही करेंगे और हम क्या कर सकते. अच्छा आगा इंसारा, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद हमारे यहां वापस. जल्दी पे तेल छिड़क, दैट इज व्हाई मैंने कहा कि ये वो गलत मुहावरा है. तो ये गलत तेरी तो हुई नहीं, तालियां बजा. ये वो गलत मुहावरा है जो मुसलसल जा रहा है जी. अच्छा और क्या है मेरी शादी का मिलन. वाह सारा गेन, क्या कह रही हैं आप सारा दोबारा. ओह गॉट इट, दोबारा बोल दीजिएगा एक दफा आगा के. मुझे लगता है मुझे समझ आ गया मेंढक. उससे पहले भी एक लफ्ज है फुदकता हुआ मेंढक, बाराती मेंढक, बरसाती मेंढक. मैंने कहा बाराती मेंढक, लास्ट वन बाराती मेंढक सही. अच्छा ये आप अब अपनी सेंस से बुझ रहे हैं कि उसकी लिप रीडिंग कर रहे हैं. नहीं मैं आधी लिप रीडिंग हो जाती है तो फिर काफी कुछ मैं एक एक विकेट. क्या कहा सारा दोबारा, क्या हुआ क्या हुआ. दोबारा बोलिएगा अगेन प्लीज. मैट्रिक में सप्ली. सच्ची पगली, इमली कच्ची, इमली कच्ची, इमली खट्टी इमली. अब तालियां बजा दो अपने लिए क्योंकि आपने. और आई बेट अगर आप लोग क्यों ना देते तो आगा को ये नहीं पता चलना था. नहीं मुझे कितनी नई बात सीखने को मिली है कि खट्टी इमली है ना. आगा ने तो जिंदगी में कभी खट्टी इमली खट्टी होती है तो रियली. अच्छा सारा अब आप अंदर आ जाइएगा प्लीज. सारा प्लीज कम इनसाइड ठीक है, ताकि हम जो है हम कंटिन्यू करें. थैंक यू वेरी मच, वेरी वेल डन, फैबुलस परफॉर्मेंस. और क्या सारा ने आगा को मायूस किया यहाँ पे, क्योंकि आगा कह रहे थे कि सारा जो है ना वो हंसेगी ज्यादा और बताएंगे. नहीं नहीं इट्स वेरी, इट्स हमने ये गेम एक और जगह खेला था तो इट्स वेरी एंटरटेनिंग है ना. क्योंकि नॉर्मली लोग क्या होता है कंफ्यूज जाते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं, बट सारा इज वेरी स्पोर्टिंग तो वो हंसते खेलते होता रहता है और उसमें जरा हंसना खेलना ज्यादा होता है और ये पढ़िए इजीली हो गया. हाँ. इससे पहले हमने जब किया था आई थिंक ये दूसरी बार है इसलिए जरा थोड़ा इजी था, पहली बार खासा हमें हो गया था. हाँ. और इतना फनी था, बरसाती मेंढक. हाँ. बरसाती मेंढक होता है ना पता है, बड़ा ये बड़ा एक्सेप्ट बरसाती मेंढक ने खाई खट्टी इमली. अच्छा मुझे बताओ कि जब दो एक्टर्स होते हैं सेट पे और काम कर रहे होते हैं उनकी कोई लड़ाई फड्डा हो जाता है, आप लोगों का इसमें कोई लड़ाई फड्डा हुआ हो या सुलह सफाई हुई हो, कोई खास वाकया जो कि ऑफ स्क्रीन हुआ हो जो आप अपने व्यूअर्स के साथ आज शेयर करना चाहें. आज जब वो देख रहे होंगे मेरे बेवफा तो उनको याद आए कि अच्छा इस सीन में ये हुआ था, पीछे ये चल रहा था. आगा हंस रहा है क्यों आगा. नहीं हमने बड़े प्यार से काम कर लिया था. हमारा तो कोई खानदान में मैं वही बात कर दूंगा जो मेरे सब करके बच्चे निकल जाते हैं कि एक फैमिली में भी लड़ाइयां हो जाती हैं. बिल्कुल होती हैं, जो लोग किसी को प्यार करते हैं उनमें नहीं, मतलब एक्टर्स की आपस में, डायरेक्टर एक्टर, प्रोड्यूसर एक्टर, प्रोडक्शन एक्टर, अगर आपस में कभी बहस हो जाती है दैट मींस दे वर्किंग टुगेदर. बहुत सारे रीजंस होते हैं जो, बट इन द एंड अभी इस वक्त अगर आप पूछो देन एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी एक दूसरे के काम से. और मेरी और फरीद साहब भी बड़ी बहसें हुई हैं, पर एज आई जस्ट अभी सेड मैं आप दोनों की बात कर रही हूं. नहीं हमारा कभी द हीरो एंड द हीरोइन, नो नेवर कभी नो बट के आगा से कहीं आगा मुझसे ये लाइन जो है ये नहीं मुझे स्पेस दे रहा इसमें या आपने हमारा इस सेट पे तो कोई फड़ा नहीं कोई फड़ा नहीं. सो क्रेडिट गोज टू
credit. I'm sure that you want to give the credit to Sara. I want but to. It's actually both of us. I would love to, but credit goes to both of us. Both of us. अच्छा चलिए सारा कह रही है तो मान लेते हैं कि credit goes to both. सारा कह रही है तो मान लेते हैं. सारा कह रही है तो मान. मेरी बहुत खराब रिपोर्ट है आपको मुझे लगता है. नहीं. You are just like brother. तो मैं advantage दे रही हूँ उसका कि चलो आपको छेड़छाड़ आपके साथ जो की जा सकती है. Wish you all the best इन दोनों इस project के लिए खास तौर पे. और जिन्होंने लिखा है इस प्ले को मुझे बहुत पसंद है इसलिए कि उनकी लिखी हुई जो स्क्रिप्ट्स हैं हमेशा बड़े मजबूत होते हैं. तो जंजीबील इज अ वंडरफुल वंडरफुल राइटर. हाँ और जब मैं बात करती हूँ ना एक औरत का लिखना वो हमेशा उसमें बहुत सारी फीलिंग्स और इंट्रिकेसीज होती हैं जो शायद मर्द मिस आउट कर देते हैं शायद वो उस तरह से फील नहीं कर सकते. सो हम बात कर लें जंजीबील आपा से. क्या हम बात कर सकेंगे? नहीं अभी. सो जंजीबील आसिम शाह अच्छा अभी नहीं है वो हमारे साथ. अच्छा ठीक है. तो बेस्ट पार्ट क्या था स्क्रिप्ट का जो मुझे लगा जो आपको लगा? आई थिंक मैंने बहुत सारे टू हीरोइन वन हीरो टू हीरोइन टाइप प्लॉट किए हैं जिनमें बेवफाई आ जाती है. बट द ब्यूटी ऑफ दिस ड्रामा वॉज के इतना सेंसिटिवली और इतना फ्रेजाइल तरीके से रिलेशनशिप्स को छेड़ना देन इंडिविजुअली जो कैरेक्टर सारा का जो कैरेक्टर है वो अपने आप में एक पूरा उसका एक 360 एक मेरा जो कैरेक्टर है इट हैज सो मेनी शेड्स जहाँ पे अलग अलग जगह पर आपको वो देखने को मिलते हैं. देन शगुफ्ता आपा जो कैरेक्टर कर रही हैं इट्स फैबुलस. देन याले ने जो कैरेक्टर किया आई थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी दैट मेजर ब्रेक फॉर हर दैट प्रॉब्ली दैट शी इज लुकिंग फॉर एंड ऑन ए प्लस. ठीक है. एंड बाकी हसन नुमान एंड मदीहा एंड इवन परी सबका अपना अपना एक कैरेक्टर है. सबके पास अपना अपना मार्जिन है काम है. करने को और वो सबसे बड़ा क्रेडिट राइटर का ही होता है कि उसने इतनी खूबसूरती से इन so let's have our in. अपनी गुफ्तगू में उनको भी शामिल करते हैं. मेरे साथ हैं जंजीबील आपा जंजीबील आसिम शाह जिन्होंने हमारा प्ले लिखा है जिसका नाम है मेरे बेवफा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम. जीते रहे. अच्छा जंजीबील आप आपकी अजरा और आपके आगे ने तो अपना कैरेक्टर का नाम ही नहीं बताया. आपने मेरा नाम बेवफा रख दिया तो मैं क्या नाम बताता अपना. अच्छा क्या नाम है? मेरे कैरेक्टर का नाम है शाहमीर. शाहमीर आपकी अजरा और शाहमीर हमारे सामने. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. और शाहमीर तो बहुत पब्लिक की गालियां खाने वाला है. अच्छा अभी तो अभी जितनी हंसी है ये सारी जाने वाली है. अच्छा और अजरा को अजरा इतना मुस्कुराती है मैं तो परेशान हूँ. इतना खुश रहने वाली अजरा को रोता हुआ देख के व्यूअर का क्या आशर होगा. ओए सो इसका मतलब है कि ये पूरा प्ले जो है वो हम ऐसे करके स्क्रीन के सामने गुजारेंगे औरतें. हाँ बहुत बिल्कुल. और मैं एक बात बताती चलूँ कि ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है. ट्रू स्टोरी जी एग्जैक्टली. ये बिल्कुल मेरी आंखों के सामने एक फैमिली थी. अच्छा. और इसी तरह से बिल्कुल सेम इसी तरह से जिंदगी उनकी जो है पूरी पलट गई. तो तभी मैं इंस्पायर हुई थी और मैंने लिखा. मतलब हमारी फैमिली में भी वो बहुत बड़ी एक दास्तान बन गई थी. अच्छा. ये जो बेवफाई थी. जी अच्छा वाह. सो ये एक असल कहानी है. अरे वाह. तो असल कहानी को लिखना जो है वो तो और भी ज्यादा थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि उसमें आपने तो रियलिटी देखी होती है और उसको ड्रामेटाइज करना जंजीबील आपा. तो कैसा लगा आपको शाहमीर और अजरा दोनों आपने जो लिखा था जो आपका वो था उस पे आए हैं पूरे? देखिए अब वो तो आज ड्रामा चलेगा ऑन एयर होगा तो पता चलेगा व्यूअर को भी और मुझे भी. व्यूअर को नहीं पता चलेगा मुझे आइडिया होगा. ठीक है. लेकिन ये है कि क्योंकि हम ड्रामा जब स्क्रीन पे हमें चाहिए होता है तो हमें थोड़ा सा यंग जाहिर है हमें यंग कपल चाहिए होता है. यंग वो थोड़ा सा एज में बड़े थे जो रियल स्टोरी थी. लेकिन जो मैंने कंसीव किया था मैं तो कैमरा की आंख से सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगे माशाल्लाह ये. और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये केमिस्ट्री तो इनके दरमियान है ऑलरेडी. ये और सक्सेसफुल होगी. बिल्कुल सही. और जंजीबील आपा इसका जो नाम है मेरे बेवफा ये बड़ा डायरेक्ट नाम है क्योंकि वो मेरी प्यारी बानो मेरे प्यारे फला मेरी जान तो सुना था ये मेरे बेवफा
अच्छा, मेरे बेवफा मैंने नहीं रखा है, मैंने इसका नाम दिल का जोर रखा था। अच्छा, तो वो फिर सॉन्ग के हिसाब से कुछ, जहर आपको पता है कि कुछ मार्केटिंग की मजबूरियां होती हैं, ठीक है, ठीक तो है, इस वजह से उसको बदला गया था। ठीक है, तो डायरेक्टर, ये डायरेक्टर्स नेम है, इसका मतलब है कि सादिया ने कैसा लगेगा और कैसा व्यूअर को इसका रिस्पॉन्स आएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो टाइटल सॉन्ग है इसकी तो थोड़ी सी कहानी बता दें, क्योंकि सार आप लोगों ने इतनी मेहनत से उसे शूट किया और सादिया ने बड़ी मेहनत के साथ इस पे भी इसके सॉन्ग पे भी काम किया। टाइटल सॉन्ग, एक तो सबसे पहले तो लॉर्ड ऑफ ट्रेड गोस सादिया, बिकॉज़ वो ये बात समझती हैं कि एक ऑफिशियल साउंड ट्रैक की बहुत वैल्यू होती है, और जितने भी सुपर हिट ड्रामाज और चैनल्स पे भी कामयाब होते हैं उनमें कहीं ना कहीं उनके बैकग्राउंड स्कोर का, ओरिजिनल साउंड ट्रैक का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, और हमने इससे पहले जब एक हम एक्सपीरियंस कर चुके थे अखिया नम नम हुया का, विच वेंट फैबुलस, तो एक अंडरस्टूड बात ज़रूर थी कि शायद ये गाना, एक इसका गाना हम करेंगे ज़रूर। बट एक बात जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आई वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस विद दिस सॉन्ग, समबडी एल्स वॉज, एंड आई कम्प्लीटली हेटेड द फर्स्ट वर्जन ऑफ द सॉन्ग, ऑनेस्टली इट वॉज केम आउट फ्रॉम समवन एल्स, एंड देन वी सैट डाउन अगेन, और फिर सादिया को जब हमने अपना डेमो सुनाया पहली बार तो फिर देन इट वॉज लाइक्ड बाई एवरीबडी, एंड देन कासिम अजहर जो मेरे साथ, तो मैं जब से मैं म्यूजिक कर रहा हूँ उनके साथ काम कर रहा हूँ, उन्होंने इसका म्यूजिक दिया है और बहुत ही कमाल म्यूजिक दिया है। अच्छा, सारा आपने टाइटल सॉन्ग सुना, उसके लिरिक्स गुनगुनाती हो आप खुद के? नहीं याद है अभी, उस तरह से जाहिर है नहीं याद, पंजाबी में है ना, पंजाबी नहीं आती है, वो लिरिक्स मैंने लिखे हैं तो वो थोड़े से मुश्किल हैं एक उर्दू स्पीकिंग इंसान के लिए, आई नो। ठीक है, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि टाइटल सॉन्ग चले और हम हीरो हीरोइन को उस सॉन्ग के ऊपर थोड़ा सा एक्ट आउट द फीलिंग्स जो कि उस हमने ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखनी है। वो तो अभी पॉसिबल नहीं होगा, बट आई विल परफॉर्म द सॉन्ग फॉर यू गाइस बिकॉज़ आई हैव सॉन्ग इट, दैट इज पॉसिबल। जहाँ पे आयमा बेग की आवाज है वहाँ पर सारा अपने एक्सप्रेशंस या अपनी उसके अंदर थोड़ा सा इनपुट जो है डाल सकती है। परफॉर्म करूंगा उसमें आयमा बेग की आवाज है ही नहीं, उसमें आयमा है ही नहीं, वो सिर्फ आगे वाला वर्जन है। ओके, ठीक है, लेकिन फिर एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम आएंगे। But I have Sara with me on the stage so I can have an inspiration. हम वो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आ रहे हैं फिर वापस। पराठा पता नहीं कैसे बनाऊंगा, जैसा भी बनाएंगे। अब ये हमने यहाँ पे, ये तो आपका खुलूस, आपकी क्या कहते हैं चाहत जज करनी है कि आप अपनी हीरोइन के लिए कितने प्यार से पराठा बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं हीरोइन के लिए भी प्यार से बनाऊंगा। वैसे मैंने घर में अपनी अम्मा के लिए बहुत कुछ बनाया है। अच्छा, वाकई? और अपने लिए तो मैंने बहुत ही कुछ बनाया है, तो ऑमलेट तो आई कैन डील विद, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, पराठा मैंने कभी नहीं बनाया है। पराठा इज द मेन पार्ट। ओके, तो कहाँ से शुरू करेंगे? चूल्हा जलाना से शुरू करेंगे। पराठे से शुरू करेंगे, चूल्हा जला देते हैं। आपने चूल्हे पे हाथ नहीं लगाना, ये ऑटोमेटिक है ना, जला दो आके यार जल्दी से। पर आप पराठा शुरू करें। पराठा शुरू करें कैसे? पराठा मॉरल सपोर्ट, सारा चलाओ। सबसे पहले सारा बताना है। मैंने देखा खवातीन ऐसे उठा के इसको ऐसे जाया करती हैं, जाया नहीं करती, और ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देती हैं। बड़ा मजा आता है ऐसे करने में, मुझे आज पता चल रहा है। सारा से अपनी कब दिखाएंगे आप? चूल्हा जलाओ, एंड देन यू टेक द पेड़ू। पेड़ू नहीं, एंड देन द पेड़ू इज वेरी खराब। नहीं नहीं, इसको वो यूं करें, गोल करें, गोल करें। ऑलराइट, कैच इट। नो, ओके, अब रख दे ऐसे किया, अब इसको बेलें। बेला, हां और सारा पराठा बनाना है। अगर आपको इस पे मुश्किल हो रही है आप नीचे कर लें, इस पे छोड़ दें, इसको आप गिराओगे कोई इस पे नहीं होगा, इस पे निकाल दो, इस पे रखें, मुझसे ना हो पाएगा, मैं आपसे सब हो जाएगा। ओके, ऐसे करके बेलूं जी। चलो मैं जब बेलूंगा आप लोग मेरे साथ 1 2 3 करना, ठीक है? रेडी, 1 2 3। बस इससे ज्यादा आपसे नहीं होगा। अच्छा, ये ले। ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत देखा है। अरे मेरी माँ देख रही होगी। बस बस, मैं आपकी नाक नहीं कटने दूंगा मामा। सही। अरे कल को मैंने अपने घर जाना है। ओहो, मतलब कल को मेरे पास किसी ने आना है तो कभी उसकी तबीयत खराब हो सकती है। You know, when your wife's pregnant, you should do all of this. Only then. Only then, नहीं
वैसे भी वीकेंड्स पे कर लो। अच्छा नहीं क्या करें, हम काम छोड़ देते हैं, हम खाना बनाना शुरू कर देते हैं घरों में। आप पराठा बनाए, मुझे इस पे एक लतीफा याद आ गया। हाँ, सारा की बात आपने सुनी। नहीं मैं सब करूंगा, मेरी माँ जो जो करती है सारा जो बता रही है हमने वो कर रहे हैं। मुझे कोई सीनियर खातून, सब लड़कियां ही आई हुई आज। अच्छा इधर खड़ी हुई आप मुझे माँ लग रही है। हमें तो अपने बच्चों ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं। अरे इधर खड़ी है, इन्हों बता रही है आपको पराठा है। अच्छा पराठे को रख दिया। अरे आपके अंदर ये टेंडेंसी क्यों है आरा के साथ खड़ी हुई खातून को आपने इग्नोर करना और सामने वाली खातून पे नजर। एक तो मेरे से पराठा बनवाना है, बनवा लो, लो आप बना लो यार। लो नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। फिर मेरी स्पेशलिटी तो बीच में आएगी। इसमें इसमें डाल, ओहो इसमें डालना है। हैं कम कम कम, इस पे क्यों डालना है? इसी पे डालना है, इसी पे डालना बस। अच्छा आगा मैं आपको एक लतीफा सुनाती हूँ ताकि आप काम डाउन रह के काम करें। जैसे आप कह रहे थे ना, एक लतीफा ये है कि एक शख्स था, उसकी ना बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मरगुल मौत हो गया उसे, मतलब डेथ करी थी, आखिरी सांसें चल रही थी। उसको ख्याल आया कि यार बीबी से जाते जाते माफी तो मांग ली, ठीक है। डॉक्टर ने उसे कह दिया था बस अब आपके आखिरी आखिरी दिन है, तो आप अल्लाह से दुआ करें। उसने कहा बात सुनो, अगर मैं मर गया ना तो मुझे माफ कर देना। तो बीवी को सारी जिंदगी उसने सताया हुआ था, उसने कहा वो तो ठीक है मगर अगर तुम जिंदा रहे तो फिर। आप कह रहे हो ना कि वीकेंड पे बना दूंगा या प्रेग्नेंट होगी तो बना दूंगा, तो ये सिर्फ खास दिनों के लिए नहीं, द जेनरोसिटी एंड द गुड जेस्चर शुड बी। जैसे मेरी शादी हो जाएगी उसमें मैं काम छोड़ दूंगा, मैं घर बैठ जाऊंगा, मैं पराठे बनाना शुरू कर दूंगा। पूरा ही खराब कर दिया है। सारा की बात सुने क्लोज नहीं, सारा क्या कह रही है? खराब कर दिया है, खराब कर दिया ना। मुझे सारा ने कहा इसके अंदर ऑयल डाल दे, मैंने उसमें ऑयल डाल दिया, उसके बाद सारा ने कहा इसको वापस से एक पेड़ू बना दे, मैंने बना दिया। ओहो ऐसे नहीं बनाते थे। मैं एक चीज नोटिस, ऐसे नहीं बनाते थे मतलब। अब आप अपने तरीके से बना रहे क्योंकि आप यार आप लोग, मैं पहले अच्छा खासा पराठा बना देता, इन लोगों ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। अभी आप देखो नाजरीन। अच्छा हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप ये सारा के लिए बना रहे हैं, कि आप कितने थॉटफुल हैं। नहीं मैं अपने लिए बना रहा हूँ, कल को सारा को कुछ हो गया तो ठीक है, तो आप ये सारा को नहीं खिलाएंगे? नहीं मतलब पहले मैं खुद खा के देख लूंगा, फिर आप में से किसी को मैं खाने दूंगा, फिर चखना। अच्छा हाँ, क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस एट ऑल, ठीक है, इफ दिस कैन गेट डाइजेस्टेड। अच्छा अगर आगा ड्रामे में कोई सीन हो जिसमें आपको ऐसे खाना वाना बनाना पड़े तो आपको, क्या आपको मेरी एक्टिंग देख कैसा लगेगा? जैसे मेरे जैसा कोई खाना ही नहीं बना शेफ, तो एक लम्हे के लिए लेट्स इमेजिन के ड्रामे का सीन चल रहा है जी, ठीक है, और सारा जो है वो किचन में आई है जी, और सारा जो है वो आपकी वो बीवी है हाँ, जो कि बीमार है, ठीक है, और आप उसके लिए खाना बना रहे हैं, चले फिर क्या होगा? चलिए सारा आइए, आप पूछने आई है कि तुम किचन में क्या कर रहे हो? अरे तुम किचन में क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम जाके लेट जाओ, मैं पराठा बना के ले आऊंगा। ठीक है तो बोलो उसको, अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ये आप क्या कर, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम अंदर जाके लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए पराठा लेके आ जाऊंगा। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं पराठा बना के तुम्हारे लिए ले आऊंगा। ये वो टोन है जिसके बाद बीवी जैसे ही जाती है ना तो बंदा फोन उठा के कहता है हाँ बेगम आ गई थी। Yes. आपने सुना मैंने क्या कहा? मैं इस वक्त सिर्फ अपना चाइनीज पराठा बना रहा हूँ। ठीक है सारा समझ गई है, सारा है ना है। मेरे बेवफा की जो कहानी है वो ऐसी होती है ना कि वो आप ऊपर से कहते हैं और फिर आप फोन उठा के कहते हैं वो दरअसल बेगम आ गई थी। ठीक है तो कहाँ थे हम? अच्छा आप क्या होने लगे? बहुत गर्म है, ये तो मेरे से भी ज्यादा दिमाग से गर्म हो रहा है। अच्छा मेरा खाना आगा नहीं, अच्छा आगा लेट मी हेल्प यू। नो 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 आगा तेल नहीं, आप मेरा क्रेडिट खा लेंगे। हम आपका क्रेडिट कहीं नहीं जाते, इसको नीचे तो रखो आगा, एक मिनट वो जल जाएगा ना। कोई बात नहीं, गिव दैट टू मी। नहीं नहीं वो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। अच्छा आपका हाथ जलेगा यहाँ? नहीं नहीं आप देखे तो सही चला। अरे आगा हाथ जलेगा के पराठे बहुत किए कराटे। अरे वाह देखिए मैं एक स्ट्रगलर आदमी हूँ, मैंने 8 महीने कराची शहर के अंदर अकेले एक ऐसी बेसमेंट में सरवाइव किया था जहाँ पर टू टेक बाथ नहाने के लिए भी आपको इतना झुक के खड़ा होना पड़ता था और फिर जाके कहीं अल्लाह ताला ने करम किया और फिर मैं आज यहाँ हूँ कि मैं आप लोगों के सामने नखरे दिखा रहा हूँ ये पराठा बनाने में, वरना 8 महीने में कई दिन ऐसे गुजरते थे जब मैं नाश्ता भी नहीं कर पाता था। सो दिस इज़ नथिंग, आई एम नॉट अ स्पॉइल्ड अमीर ज़्यादा जिसको ये सब नहीं आता होगा। Yes, ये वो स्ट्रगल है। हाँ वो अलग बात है कि मैंने कभी पराठा नहीं बनाया था तब भी, इसलिए मुझे
सारा इज वेरी कंसर्न्ड, सारा कितनी खूबसूरती से मैंने पराठा बनाया है नाजरीन, प्लीज इसका क्लोजअप बनाओ, मेरी जिंदगी का पहला पराठा मैं कैसे ओह माय गॉड इतना अच्छा पराठा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मैं इतना टैलेंटेड हूँ ये wow. सारा आगा आपने पहली दफा पराठा नहीं बनाया मैंने कसम से पहली बार पराठा बनाया आई स्वेयर सारा मानती है इस बात को श्योर मतलब आप पराठे की शक्ल देखकर आगा की बॉडी लैंग्वेज मैनरिज्म देखकर मैंने मैंने ऐसा बहुत सारा काम ऐसा बहुत सारा टाइम अपने किचन में गुजारा है जब मेरी माँ जी खाना बनाती हैं या मेरी बहन खाना बनाती हैं लाइक टू हेल्प ईच अदर आउट तो मैंने उनको काम करते हुए बहुत देखा है ठीक है और फिर वो आदत होती है मर्दों की आप अपनी बेगम से काम करवाएंगे किचन में करवाएंगे मतलब आप भी उसे कहेंगे कि तुम जाके नाश्ता बनाओ मैं अपनी बेगम से कुछ करवाऊंगा की टर्म को मैं बिलीव नहीं करता हूं उनका जो दिल करेगा वो करेंगी मतलब अगर उनका दिल करे कि मैं तो खाना नहीं बना सकती उसके लिए हम एक मेड रख लेते हैं मुझे लगता है ऑलरेडी मेड होगी घर में अच्छा तो मेड चलेगा आप कभी ये फरमाइश नहीं करेंगे कि मैंने खाना सिर्फ तुम्हारे हाथ से खाना है मैंने नहीं मैं खाना अपने हाथ से खाऊंगा और सही और हाँ अगर वो कभी बना के खिलाएंगी आई फील रियली गुड ठीक है लेकिन मैं भी बना के खिलाता हूँ तो दस्ती भी खिला देता हूँ ठीक है अगर कोई मेरे हाथ का खाना ना खा रहा हो तो अरे जितनी आप बातें बना रहे हैं मुझे लग रहा है पराठा बस ये पराठा ही बनेगा अरे आप पता है आप औरतें खुश नहीं होती किसी मामले में पता है एक एक्टर ने इतना ये देखो पराठे की शक्ल देखो रमजान में ना ऐसा पराठा खाने में मिलता है क्या बात है अब जितनी देर में आपने पराठा बनाया है और ये देखिए नाजरीन अब आपके सामने टिमटिमाता ऑमलेट अच्छा ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से चाट फेंकना इसको ये नीचे डस्टबिन जबरदस्त और ये दूसरा अंडा भी ये देखिए वाओ अरे वाह ये तो अंडे टूटते ही जा रहे हैं अरे वाह एक और भी उई अच्छा वाओ जिसके लिए बना रहे हैं उसकी फरमाइश पूछे कि उसको क्या चीजें चाहिए उसमें सारा बताओ आज आप अपनी मर्जी से बना लें वाह जैसा आप बनाना एक तो इनकी केमिस्ट्री बहुत ये देखिए आप लोगों ने अक्सर इंटरनेट पे देखा होगा देखिए यू प्रोबब्ली हैव सीन द सॉल्ट बे आई एम द ऑमलेट बे बिल्कुल सही ओके सो मैंने प्याज और टमाटर डाल दिया है थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च उइंग और इसके अंदर हम थोड़ी सी डालेंगे इसको कैसे रहा आपको पता है सारा कितनी मिर्चें खाती है जी सारा बहुत मिर्चें नहीं खाती तो फिर तभी आप इतनी कम मिर्चें डाल रहे हैं इसीलिए मैं कम मिर्चें डाल रहा हूं ठीक है इसे कम मिर्चें कहते हैं ये देखिए ओह ये बहुत जरूरी है एक एक्टर जब भी किचन में काम करे तो उसको चाहिए कि वो अपनी स्किल्स यूज करे जैसे मैं बैकग्राउंड स्कोर यूज करता हूं बार-बार ये देखिए अरे इसको छोड़ो आगा यू आर एन अमेजिंग सिंगर ओह थैंक यू सो फर्स्ट किया फर्स्ट एक हम ड्रामा मेरे बेवफा की बात कर रहे हैं ना आपकी बेगम नाराज है आपसे सारा प्लीज विल यू एक्ट आउट फॉर मी जी 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 और आप उसके लिए नाश्ता बना रहे हैं और साथ साथ उसको गाना गा के मना भी रहे हैं ओके उससे पहले मैं एक बात जानना चाहूंगा क्या आपने मुझे ये दिया है ऑमलेट बनाने के लिए जी मैंने यही दिया इसमें ऑमलेट कैसे बनेगा इसमें ऑयल डलेगा और अंडा डलेगा तो ऑमलेट बन जाएगा अच्छा फ्राई पैन थोड़ा सा वो नहीं होता है हाँ मगर हमने यही वाला पैन आपको दिया हमें डर था कि अंडा आपके खौफ से कहीं भाग ना जाए मुर्गी भागती है अंडा नहीं अच्छा चलो गाना कोई खूबसूरत सा गाना तो आप कह रहे हो जैसे मैं खाना बना रहे हैं खाना भी बना रहे हैं और मना भी रहे हैं और गा भी रहे हैं ठीक है सो क्या होगा इधर इधर हीरोइन इधर है कच्चे अंडों 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 से मैंने ऑमलेट बनाया नहीं अच्छा सीरियस वाला गाना आगा प्लीज अच्छा मतलब कुकिंग करते हुए मैं सीरियस सिंगिंग परफॉर्मेंस भी हां वाह हां ना आप मना रहे हैं यार यू आर एन एक्टर देन व्हाट सॉन्ग वुड आई बी सिंगिंग व्हेन आई एम कुकिंग मैं नहीं नॉट कुकिंग को मत आइडियलाइज करें आप मैं नाराज हूं मना रहे हैं इट्स अनदर सिचुएशन ऑल टुगेदर यस हां और आप मनाने के लिए खाना भी बना रहे हैं और वो किचन में आ गई है तो आप उसे गाना भी सुना रहे हैं तो क्या करेंगे मुझे गाना याद आया थोड़ा पुराना है हमारी म्यूजिशियन साथ देंगे आपका सो प्लीज शुरू कीजिएगा अच्छा ये भी है आउट लव ऐसा भी होगा हेलो अपना ही गाना गाते हैं कि जब तुम मुझसे नाराज हुई तो मेरी अखियां नम नम होई आज वेले
कोई मेरा जिया कुछ कुछ मैं थक गईया कितना भा मैनु मिलदा ना रब दा पता एक बारी दे मिला चिर होया ही बड़ा मैं ओदा दीदार करा ओनु दसा मेरा प्यार ना पाया यार ओ देखी मैनु भुल जावे मानी कि नहीं मानी मान गई हाँ। तो चुपचाप ही मान गई यार कोई मानने का कोई तो बंदा इजहार करता ना कि मैं मान गई हूँ चलो बस कर दो ऑमलेट खा के करना अच्छा ऑमलेट खा के इजहार ओके तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं है और इस वक्त ये ऑमलेट जो है इसका रंग बता रहा है अच्छा आगा मैं जब भी आपसे मिली हूँ दिस आगा इज दिस रियल आगा सारा आगा आम जिंदगी में ऐसे ही है या संजीदा है डराने धमकाने वाले सारा 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 पीछे रहो सारा इधर नहीं जाना सारा ये नहीं कहता नहीं 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 ये बिल्कुल ऐसे ही है ऐसे और ज्यादा ये लोगों को अपने जो इनके आस पास होते हैं वो इनसे ज्यादा खुश रहते हैं खुश रहते हैं वाह क्या बात है आगा दैट्स लवली दैट्स वंडरफुल थैंक यू वेरी मच आई एम वेरी वेरी हैप्पी To make such a beautiful omelette. Yes. National television में मेरी इज्जत रह गई बहुत शानदार तरीके से आपने हमें इम्प्रेस कर दिया अच्छा मैं ऑनेस्टली बताऊं मुझे नहीं थी उम्मीद के आगा बना सकेगा वैसे मेरी इतने सारे खूबसूरत एक्टर्स से कम एक्सपेक्टेशन होती है लोगों को गलत उम्मीदें जो रहती है ना मुझे बड़ा दुख होता है मैम कौन कौन सी गलत उम्मीदें लोगों को आपसे रहती है जैसे मैं ये नहीं बना पाऊंगा हाँ और जैसे मैं लड़कियों का दिल तोड़ूंगा बेवफा हूँ जैसे अच्छा आप बेवफा नहीं हैं बिल्कुल भी नहीं यार बिल्कुल भी नहीं यू आर वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं बेवफा इंसान अपने काम के साथ भी वफादार नहीं हो सकता है और अगर मैं अपने काम के साथ वफादार नहीं होता तो आज मैं अंडा बनाते हुए आपके पास गाना कभी भी नहीं गा रहा हूँ देखिए इस वक्त फाइव स्टार होटल का ये फोर स्टार ऑमलेट और फाइव स्टार पराठा तैयार है तालियां टेस्ट करके आपने नंबर देने आया को वो खुद ही अपने मुंह मियां मिठू बनी जा रहे हैं इधर से आना है आपके लिए नंबर मैं इसके बाद ऑडियंसेस को भी चाहूंगा कि मैं 25-30 ऑमलेट बना के खिलाऊं अच्छा ताकि तो मेरा ख्याल है कि हम यही काम शुरू कर देते हैं गरम है बहुत अभी बना है ना सारा जितनी तारीफ की आगा ने इज गुड अच्छा है नमक मिर्च सारा कुछ ठीक है अरे आप भी तो ट्राई करें ना सर आप ये ले मैं तो ट्राई कर लेती हूँ मगर मुझे लगता है कि सारा जो है ना वो हमेशा हरी मिर्च से बच गई हरी मिर्च से बच गई सारा ने भी इसलिए छोड़ दिया था मुझे लगता है सारा हमेशा आगा का दिल रखती है अरे आप खा के तो देख ले पहले आपको मेरे बारे में सारी बुरी खबरें किसने दी है अच्छा कौन किसका दिल ज्यादा रखता है आगा सारा का दिल ज्यादा रखता है ना बंदा किसी का ख्याल करता है एहसास करता है उसे नहीं कहता कि आज तुम इतने अच्छे नहीं लग रहे नहीं ऐसा है तो हम दोनों एक दूसरे का दिल बहुत रखते हैं दिल बहुत हाँ, अच्छा है भाई लेडीज बड़ा बैलेंस नंबर बड़ा कमाल मिर्चे अपनी बाकी बहनों के बांटूं अगर आपकी जब तक बिल्कुल आप बांटे किसी एक को आप टेस्ट कराएं ट्राई अच्छा, कराएं okay. जी और बहुत ऑनेस्ट होके बताना प्लीज ये अपने बच्चों की माँ जो है इन्होंने मुझे कहा था मैं आपको ये ट्राई करा रहा हूँ प्लीज ऑनेस्ट रहेगा क्योंकि सही वाला वोट देना सही वाला चक के बताना आपने कैसे है मुझे माइक 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 जी जी ये माइक पे बोलते हैं हां परफेक्ट परफेक्ट वेरी गुड
अच्छा पाकिस्तान में जितने भी कुकिंग के चैनल्स हैं आप लोग मेरे मैनेजर से राबता कर सकते हैं. वी आर ओपन फॉर डेट्स कुकिंग शोज नॉट अ प्रॉब्लम एनीमोर. जी प्लीज टेस्ट प्लीज. आगा हमें पता चल गया कि आप बहुत अच्छा ऑमलेट बनाते हैं. नहीं परा आपको यकीन नहीं है. आगा मुझे यकीन आ गया है. आपको नहीं है यकीन. जी आज मुझे पूरी तरह यकीन आ गया. तमाम खवातीन ने मेरा ऑमलेट को ओके कर दिया. अच्छा देखना मत भूलिएगा रात को 8 बजे मेरे बेवफा. अरे वाह. और एक ब्रेक के बाद मिलते हैं. सुना तेरिया सदामा लिख दिया. अच्छा अच्छा किया ना संजीदा लिखा आपने. चले सारा पहले पढ़ो क्या लिखा है. आगा आगा सारा पढ़ेंगी आपका लेटर. नॉट सो प्यारे बेवफा विदाउट यू मैं खुश हूँ. शुक्रिया फॉर ऑल द लाइज और फॉर झूठे ट्राइज मैं ऐसे बेहतर हूँ. मैं अब आप लोगों को इसकी तशरीह आम बताता हूँ. अच्छा. मैंने लिखा मेरे नॉट सो प्यारे बेवफा. ठीक है विदाउट यू मैं बहुत खुश हूँ. शुक्रिया फॉर ऑल द लाइज और फॉर ऑल द झूठे क्राइज मैं ऐसे बेहतर हूँ. लॉट्स ऑफ लव. कुछ एरो लगा के बुरा. शायर ने फरमाया है कि दुनिया का सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे ज्यादा किसे के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा किसी के बेवफाई से बुरा कुछ नहीं होता. जो लिखा है मैं वही पढ़ूंगा. मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ. दुनिया में सबसे ज्यादा किसी के साथ कुछ बुरा करना हो तो बेवफाई कर लो. जो करोगे आप कल वही भरोगे. आज आप बेवफाई आपने आपको पढ़ना ही नहीं. आज आपने बेवफाई बेल से लग रहा है बेसफाई बेवफाई की आपके साथ भी कल होगी. ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था. हाँ सारा सारा खुद पढ़ दो अपना लेटर खुद पढ़ दो. अगर बिल्कुल हाँ दुनिया में अगर किसी के साथ कुछ बुरा करना हो तो बेवफाई से ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता. और अगर आज आप किसी के साथ बेवफाई करेंगे तो कल आपके साथ भी होगी. काय को ताली मार ले ले तुम लोग. ये मैंने लिखा जो ये खत है ये जो लिखा गया ये धमकी है. ये नहीं ये लेक्चर है. बेवफाई अगर आपने की देखिए नाजरीन अगर आप लोगों ने किसी के साथ बेवफाई की तो कल आपके साथ भी हो सकती है. नहीं 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 ये खत थोड़ी है. ये मैं यही बताना चाहती हूं ना उसमें यही कहना चाहती है दैट्स द डिफरेंस इन मेन एंड वुमन. ऐसे लिखते हैं. ऐसे क्या लिखते हैं इसमें क्या क्या अच्छा है. किसका खत आपको खत जैसा लगा. अच्छा नहीं इसमें लग रहा है ना आपको सारा ना सारा मेरे लिए आज बेवफा आप लोग हैं. नहीं 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 मेरे लिए बेवफा मैं बताती हूँ आगा. आपने लिख दिया ना विदाउट यू मैं बहुत खुश हूँ. यू वर नेवर इन लव विद दैट पर्सन. सारा ने उसी अपनी फीलिंग्स को एड्रेस हाँ जब आपने लिख दिया मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं होते. हाय बिग नेशनल टेलीविजन पे. अच्छा सारा ने वही चीज लिखी. आई वाज एक्चुअली इन लव विद दैट पर्सन जो वो कभी था ही नहीं. अच्छा ठीक. या जबकि पता चलता है दैट व्हाटएवर यू हैव पेंटेड इज नॉट व्हाट यू आर. जो वो ही नहीं वो एक था. हाँ. में तो है ही नहीं वो क्या था तो फिर इन लव खत्म हो जाता है. नहीं नहीं वो एक क्या था वो वही था. अच्छा सारा की फीलिंग ज्यादा जिसे कहते हैं हम रिलेट कर सकते हैं सारा के साथ. सारा जी जी क्या बात. वेरी गुड ग्रेट. आपको बुरा तो नहीं लग रहा कि हम अपनी हीरोइन को ज्यादा आज के नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. आप एक खातून है. खातून ऐसे ही करती नो प्रॉब्लम. और मर्द कैसे करते. मर्द ऐसे बेचारे मासूम खड़े रहते हैं. उनको पता है कि सब क्या हो रहा है वो कुछ नहीं बोलते. अच्छा चले हम एंजॉय करेंगे. इसलिए मैंने वो पोस्टर में मुंह ही फेर लिया. अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो. दुखाइयां 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 देवा मैं दुखाइयां वो मेरे आने से पहले ही आपने रोटियां पकाइयां.
ਨਾ ਖੁਆਇਆ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਾਂ ਸੀੜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪੜੇਗੀ ਮੁਝੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਿਤਨਾ ਖੁਦ ਜਾਲੇ ਤੇ ਉਂਝ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੋਰੀ ਹੈਲੋ ਕੈਸੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆਪਕਾ ਹਾਥ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਮੈਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਪੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਅਜ਼ਦਵਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਹਿਕੀਕ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਆ ਹੈ ਯੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਅਜ਼ਦਵਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਕੋ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਔਰ ਬਟਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਪੜੇਗਾ ਗੁੱਡ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਵੀ ਉਸੀ ਸੂਰਤ ਮੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਬ ਗਰਮੀ ਆਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸਕੀ ਅੰਮੀ ਕਾ ਲੌਨ ਕਾ ਸੂਟ ਆ ਜਾਏ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੂਟ ਸੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਜ ਤੋ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਿਲਵਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਵੈਸੇ ਕੀ ਪਾਓਗੇ ਗੋਲਡ ਕੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦੇਖਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਲਡ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੱਦ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਓ ਆਪ ਓਹ ਅਰੇ ਵਾ 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 ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਬੂਟ ਪਹਿਨੇ ਹੈ ਅਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਇਹ ਫੌਜੀ ਬੂਟ ਇਹ ਹੀਰੋਆਂ ਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਅਰੇ ਵਾ ਅਰੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿਤਨਾ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕਾ ਹੈ ਬੇਚਾਰਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹਾਏ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਨਾਲੇ ਚੋਪੜੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬੇ ਸਾਰਾ ਲੋਗੋ ਕੌਣ ਸਾ ਬੁਢਾਪਾ ਬਾਬੇ ਅਭੀ ਯੰਗ ਹੈ ਆਈ ਯੈਸ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਮੇਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਗਏ ਨੇ ਦੋ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਗਏ ਨੇ ਦੋ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਗਏ ਨੇ ਦੋ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਗਏ ਨੇ ਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡੀ ਹੋਵੇ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਕੂਲੀ ਹੋਵੇ ਖਰੀ ਤਿੱਕ ਚੂਰ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਛੰਡੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਖਰਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਹੋ ਭਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਭਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਰਿੰਨਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਗਏ ਨੇ ਦੋ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਗਏ ਨੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਬੇਵਫਾ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋ ਉਸਕੇ ਹੀਰੋ ਐਂਡ ਹੀਰੋਇਨ ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਅਲ ਮੇਰੇ ਬੇਵਫਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਲਾ ਇਸਕੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਔਰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਕੋ ਹੈ ਯਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗੰਦੂਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚਾਵਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇ ਤੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਆਪਸ ਮੇਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਤੀ ਤੋ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਵਫਾ ਬੇਵਫਾ
ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਫੀਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। लेकिन बड़े प्यारे हीरो हैं हमारे माशाल्लाह से, आगा आगा अली, ऊपर से नाम इतना ग्रेसफुल नाम है। हाँ। आगा अली की गल है, मेरे नाल मंगनी हुई उधर ही वेखी जा रहे हो इतना ग्रेसफुल नाम है आगा अली, लगता है टीपू सुल्तान की जंग का कोई बहादुर सिपाही है ये। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। है कि नहीं सारा जी, ड्रामा पूरा किया है कि सारा आधा किया कि सारा? वाह 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 वाह, सारा कैसे हंसती है मुस्कुराती है, लगता है सुनियारे ने अपनी दुकान खोली। अरे वाह क्या बात है, सुनार ने, ज्यूलर ने, ज्यूलर ने, ज्यूलर ने, उनके कहने का दूसरे लफ्जों में मतलब ये कि आपके दांत चमकदार, ज्यूलर ने अपनी दुकान खोली है। मैं हंसू तो लगता है कबाड़िया नहीं शटर चुके हैं। आए आए, आपको पता है आगा भाई, बीवियां दो किस्म की होती हैं वैसे। अच्छा। एक वो जो अपने शौहर का ख्याल रखती हैं, उनकी उसकी केयर करती हैं, और दूसरी वो जेड़ी मेरी रोज ठुड्डे रोज ठुड्डे। वैसे बड़ी मर्दम शनास हैं आपकी बेगम साहिबा। हाँ। माशाल्लाह आज आपको काफी बातें आ रही हैं। हाँ। है ना? लगता है कॉमेडी की कोई बुक पढ़ के आई हैं आज आप। नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं मेरे बेवफा की कास्ट से मिल रही हूं, I'm really happy। मेरे बेवफा ड्रामा आपका इंशाल्लाह ताला, जो कि साधु संत फकीर का बाबे पहुंचे, बाबे हैं, बाबे ने अपने जादू टोने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हाल निकाले हैं आगा भाई। यस, शाम से डर तो नहीं लगता आपको? लगता है। अच्छा तो फिर क्रीम कर देते हैं। बेवफा से डर नहीं लगता, सांप से डर लगता है। हाँ, थप्पड़ से डर नहीं लगता। हाँ। प्यार से लगता है। अरे वैसे सारा वो पता है, वो एक कहावत भी है कि वो जो कहते हैं शौहर सराहने का सांप होता है। शौहर सारा को डर लगता है, सारा सारी दुश्मनी मर्दों पे सारा गुस्सा आज एक शो में निकल रहा है। किसने कहा है शौहर से शौहर सिराने का सांप होता है जी, और बीवी चारपाई का पावा होती है। नहीं, नहीं समझ में आई ये बात, ये समझ में नहीं आएगी क्योंकि बात आप पे आ रही है ना। ज्यादा जो लिखा गया है ऑडियंस, खवातीन कंपेयर, खवातीन हीरोइन, खातून, मतलब तो विमेन पावर ना यार, आपको मनवाया है ये विमेन पावर में आ जाती है बात, किसी ने प्लेट में रख के थोड़ी दिया हमें सब कुछ, वी हैव अर्नड इट। अच्छा, और दूसरी बात ये कि औरत के साथ हमेशा कह रहा था वफा की देवी, मर्द हमेशा बेवफा, हर जाई, धोखेबाज, दगाबाज है कि नहीं है? औरतों को बातें करने का इतना शौक होता है, इतना शौक होता है कसम से। आज भाई, अगर दूसरी औरत की चुगली करने के लिए कोई बात ना मिले तो वो ना उधर ना, हाँ मैंने खुद उसको देखा ऐसे, वो उनके घर जाके ना तो उधर गल कोई भी नहीं है, है कि नहीं? जो कि साधु संत फकीर हैं, बाबे पहुंचे बाबे हैं, आपको सांप से डर तो नहीं लगता? तुसा बूट ही इन्हें पाए ने ला मतलब उन्हें बूटा ते नहीं ना आना, सिर्फ यकीन करो अगर मान है कोई कमरा ना हो तो बंदा बूट ची बिस्तर कर लवे। वाह 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 वाह, देख जो कि साधु संत फकीर हैं, बाबे पहुंचे बाबे हैं, बाबे ने अपनी जादू टोने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हाल निकाले हैं। पर जी अच्छा जी, हां जी, तो सांप को निकाला जाए, क्या कहती हैं? हाँ, ले भी मेरे बेवफा, वाह 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 वाह, रात 8 बजे देखूंगा इसको, देखूंगा इसको इसको सारा इसको 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 हिट होगी ये लड़की, हिट होगी कसम से, वो हिट है। और है लड़का, ओए होए होए, तू कभी मैनू मिल जाए ना एक बारी, उधर देख रहे उधर देख रहे उधर डॉलर लग गया है ना, हद हो गई है। देखे फिर ये चटपन चौड़ चपन चटपन, तुम तड़ाक शू चढ़ाक आ, ये दागड़ता 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 आकड़ दिन ता था, हाय 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 हाय, आज जोगी बनो। ये चटपन चौड़ चपन चटपन, तुम तड़ाक शू चढ़ाक आ, ये दागड़ता 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 कड़ दिन ता, खरिया बोतरा खरिया बोतरा सूचिया बोतरा आ, हे कौन सुननी बिन पूत पाद बिन तुरबत सुनना रन बिन सबरायण गण बिचल जम पुना तुरक तक दिन झंडे शब तुरक तक दिन झंडे शब दा क्रिकेट दा दा क्रिकेट दा दा आ आ हा हा हा, हे कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू, इसमें कुछ है ही नहीं भाई, बूज माली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर, ये हट कटोरी चू प्याला काला तितर मकरूर, भाई दागड़ता 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 कड़ दिन ता आ, सांप निकला नहीं।
ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਗੜ ਦਿੱਤਾ ਦਾਗੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਲ ਲਿਖ ਲਿਆ परेशान ना हो, एक्चुअली आपको बेस्ट विशेस के लिए है कि नहीं, और आप अच्छा मर्द होने का सबूत देते हुए इसको आगे पास करें, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू। लाए आप मुझे भी ऐसा नहीं वो सही तरीके से पकड़ा है। जोगी जोगी आप आगा के बूटों के बिल्कुल पास ही बैठे हुए ध्यान से। अल्लाह मेनू तो डर है बूटा जो सांप निकल के ना लड़ जाए। इसी तरह ध्यान। आपको मेरी तरफ से गुड लक दोनों को, और अल्लाह आपको कामयाबियां दे और आपके इस प्ले को भी कामयाबियों से अमीन करे, है कि नहीं? ये बहुत मुश्किल काम है जो एक्टिंग है, है कि नहीं? ये एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल है ना, इसीलिए मैं नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी जोगी के लिए, तालियां। अच्छा। हाँ हाँ तुम्हारे हुस्न की कोई खता नहीं। हाँ हाँ हाय तुम्हारे हुस्न की कोई खता नहीं। हाँ हाँ तुम्हारे हुस्न की कोई खता नहीं, मैं हुस्न इत्तेफाक से दीवाना हो गया। चले सेल्फी ले, जब तक ये हम ब्रेक लेते हैं और ओके वापस चले आ जाइए। सारे जगनों तो छड़े आते हैं। अच्छी बात थी आपने छेड़ी भी इनफैक्ट। इट्स अ वेरी गुड ट्रीट इनफैक्ट जो लोगों को देखने को मिलेगा। सारा ने आज तक जितना भी काम किया है उसको लेके सारा का जो बेसिक इमेज आया था वो वेरी फ्रेजाइल इनोसेंट सॉफ्ट स्पोकन गर्ल, और मेरा बड़ा ऑपोजिट इमेज है दैट आई एम वेरी अग्रेसिव एंड आई एम उठा उठा के फेंक देता हूँ चीज़ें और हीरोइन को मारता हूँ एंड ऑल। इसमें बड़ा ऑपोजिट है। अच्छा। इसमें आई एम स्टक वेयर आई एम गोना क्राई एंड आई एम गोना ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन वेयर आई एम नॉट एंग्री, जहाँ मैं फंसा हुआ हूँ और मैं रोता हूँ, कोशिश करता हूँ, और सारा गोज ऑन दी अदर साइड जहाँ एग्रेशन है, जहाँ लाउड बोलना है, जहाँ एक्सप्रेसिव होना है अपने अंदर के जज्बात को लेके, जबकि शामिर दबा रहता है। शामिर को किसने कहा था कि वो बेवफाई करे? बस मैं अभी सस्पेंस ही खोलना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा वो रीज़न भी बड़ा ही इनफैक्ट कोई सस्पेंस नहीं है। आप लोगों ने हम सबको पता है कि हमारी सोसाइटी में शादी हुए पे भी एक साल पूरा नहीं होता और माँ बाप की ख्वाहिश आ जाती है नाना दादा बनने की। और वो कभी इस बात का ख्याल नहीं बेसिकली रखते कि क्या उन्होंने कोई प्लानिंग किया है, क्या उन दोनों मियाँ बीवी के हिसाब से अभी प्लानिंग है, कुछ अरसे बाद है, जबकि ये उनका खुद का फैसला होना चाहिए। किसी को भी औलाद से कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं, लेकिन उस प्रेशर की वजह से आपको किन किन चीज़ों से डील करना पड़ता है, और अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई रीज़न ऐसा बन जाए कि आप माँ बाप लड़की या लड़का में से कोई एक ना बन सकता हो, या कोई कमी हो, या कोई प्रॉब्लम हो, कोई मेडिकल इशू हो, तो वो कितना बड़ा अजाब बन जाता है, और उसकी वजह से आपको कौन कौन सा डिसीजन लेना पड़ जाता है। तो स्टोरी इज बेसिकली अबाउट दैट एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक टू टच। जंजबील ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, ठीक है, और सब लोगों ने बहुत बहुत ही अच्छा काम किया। बिल्कुल सही। अच्छा जाते जाते अब वी आर ऑन लास्ट नोट, प्यार किसे कहते हैं, प्यार क्या है, व्हाट इज लव? अगर मुझे आप महज आपकी खुशी से ही खुशी मिले और आपको खुश करने में मेरी खुशी हो जाए, तो आई थिंक आई एम इन लव। बिल्कुल सही। सारा प्यार आप किसे प्यार कहती हैं? मैं मुझे लगता है कि प्यार होता ही नहीं है। प्यार सिर्फ वो होता है कि आप किसी का बहुत ख्याल रखते हैं, आप क्योंकि आप सच्चा प्यार सिर्फ अपने माँ बाप से ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई किसी से इतना प्यार करते हों। बाकी किसी का ख्याल रखना, किसी के लिए हद से बढ़ के कुछ करना, उसे हम प्यार कह सकते हैं, लेकिन वो ट्रू लव नहीं है। रियलिस्टिक। अच्छा जाहिर है, नहीं सारा ने सही डिफाइन किया है ना। जी जी, तालियां बजा दो को मेरे लिए भी तालियां बजा दो। सारी तालियां मेहमानों के लिए बजाते हैं, किसी बात में मुझे भी सपोर्ट कर दिया बजा दो, मेरी ऑडियंस कोई जबरदस्ती भी तालियां बजा दो। सही बात है, ऐसे यही वाली। अरे सारा बेवफाई, व्हाट इज बेवफाई? वही जो मैंने खत लिखा था कि बेवफाई देखें, अगर सबसे सबसे बुरा किसी के साथ कुछ हो सकता है ना, आप कर सकते हैं, तो बेवफाई कर सकते हैं। बेवफाई आप अब वो कुछ लोग जान के भी नहीं करते, कुछ अनइंटेंशनली भी हो जाता है। किस चीज़ को बेवफाई कहेंगे आप? किस चीज़ को? हाँ, क्या चीज़ है मतलब? मैंने आपसे किसी बात का वादा किया, मैं नहीं पूरा कर पाई,
और मैं पूरा नहीं कर रही जान के मेरे मेरे अपने कुछ मसले हैं, मेरे लिए वो बेवफाई होगी जबकि मैं आपकी सिचुएशन नहीं समझ पाऊंगी कि आप क्यों नहीं पूरे कर पा रही, लेकिन मेरे लिए वो बेवफाई ही है क्योंकि आपने मेरा वो साथ नहीं दिया जो मैं चाहती थी या एक्सपेक्ट कर रही थी या जो देना चाहिए था। तो शायद बेवफाई इसे कहते हैं और मुझे नहीं लगता कि हर कोई बेवफाई करता है, बहुत कम लोग होते होंगे जो वाकई बेवफा होते होंगे, बाकी जानबूझ के, बाकी जान के इतना ईविल इतना बुरा कोई नहीं होता होगा। बिल्कुल सही, गुड। अच्छा जी आगा, कौन बेवफाई आपके नजदीक क्या है, कोई आपको छोड़ के चला जाए, दिल तोड़ के चला जाए? मेरे नजदीक बेवफाई शुरू होती है वहां से जहां आप किसी भी दूसरे इंसान को किसी गलत भ्रम में रखते हैं, किसी भी ऐसी होप में, किसी भी ऐसे लारे में, कोई भी टर्म इस्तेमाल कर लो आप, जो आपको पता है कि इट्स नॉट ट्रू, जो आपको पता है कि ये सिर्फ बातों में है, पर जो आपको ये नहीं पता कि सामने वाला इंसान उस बात को लेके कितना प्लान कर ले, कितना सीरियस हो जाए, कितना डिपेंड करना शुरू कर दे, तो आई थिंक वो कमिटमेंट छोड़ना इज बेवफाई, एंड देन इट गोज ऑन। अब आप उसका कोई भी एक्सट्रीम ले लो तो वो वंडरफुल टू हैव यू बोथ और पूरी टीम, सादिया फिर उसके साथ साथ जंजबील आपा जिन्होंने लिखा, योर डायरेक्टर सकीना, हमारे डीओपी भी हैं इरफान मिर्जा साहब ने इसको शूट किया है, इरफान मिर्जा साहब बहुत ही सीनियर सिनेमेटोग्राफर हैं, बहुत ही कमाल, फैसल ने इसको बाद में डायरेक्ट किया ड्रामे को और बहुत सारा काम हमारा उन्होंने करवाया भी और वो बहुत ही जिम्मेदार इंसान भी हैं, तो आई लव यू फॉर डूइंग दैट। देन जुहेब द अदर असिस्टेंट, देन ऑन द सेट देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो हमारा बहुत ख्याल रखते थे, और हमारे मेकअप आर्टिस्ट भी, हमारा मेकअप आर्टिस्ट हनी, हनी कम सोया करो वो सोता था पूरा दिन, पर वो काम अच्छा करता था। ठीक है, एवरीबॉडी वाज एंसेंबली, सादिया अगेन, सो वी विश ऑल द टीम बेस्ट ऑफ लक कि आज रात 8 बजे से ये प्ले जब ऑन एयर हो तो वो लोगों को और आपके देखने वालों को उतना ही पसंद आए जितना हमेशा उन्होंने आपके काम को पसंद किया। ए प्लस का ये ड्रामा सीरियल जो है जो अपने नाजरीन के लिए बहुत प्यार से बनाया गया है, हमारी सादिया जब्बार की तरफ से उनकी ये प्रोडक्शन है, सो आई होप एंड आई विश आप सब लोगों को बहुत सारी दुआएं देते हुए एंड बेस्ट ऑफ लक कहते हुए कि हमारे देखने वालों को भी ये बहुत पसंद आए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो आज और अपनी इस लॉन्च को हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए। जाते जाते आगा मैं चाहूंगी कि जो टाइटल सॉन्ग आपने गाया हुआ है वो आप हमें सुनाए और हम उसके साथ ही अपने नाजरीन को, अपने देखने वालों को अल्लाह हाफिज़ कहें और सारा जो है आपने साथ देना इस गाने का। आप ये समझे कि पिक्चराइज हो रहा है, आगा सिर्फ गा नहीं रहे, ये गाना शूट आउट हो रहा है। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट दिस थैंक यू वेरी मच हमें शो में बुलाने के लिए फरा एक बार फिर। वंडरफुल, इट्स ऑलवेज लवली टू टॉक टू यू इन द शो एंड हैव टू बी हियर, ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू, थैंक यू वेरी मच। लेट्स सेव द ओएसटी, अपना ख्याल रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू वॉच मेरे बेवफा आज रात से ए प्लस की स्क्रीन पे रात 8 बजे। अल्लाह हाफिज़ जी।